दीपावली से पहले दिल्ली मेट्रो की ओर से दिल्ली वालों को खास तोहफा दिया जा रहा है, और वो तोहफा होगा पिंक लाइन के एक हिस्से की शुरुआत का। 18 किलोमीटर के इस हिस्से में 15 मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे, जिनकी शुरुआत पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन से होगी और दिल्ली यूपी बॉर्डर शिव विहार मेट्रो स्टेशन पर खत्म होगी। पिंक लाइन का एक हिस्सा जो दीपावली से पहले शुरू होने वाला है, वो त्रिलोकपुरी से शुरू हो रहा है। यहाँ से मेट्रो लाइन की इस हिस्से की शुरुआत होगी और आगे कुल 15 मेट्रो स्टेशन है जो दिल्ली और गाजियाबाद के एक प्रकार से बॉर्डर लोनी के नज़दीक तक शिव विहार जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक जाएगी। फिलहाल पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। सेफ्टी जो मेट्रो की होती है उसकी तरफ से सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है और अब बस उद्घाटन की तारीख तय होनी है। 18 किलोमीटर के इस रूट पर 15 नए स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें त्रिलोकपुरी, संजय झील, ईस्ट विनोद नगर, मयूर विहार फेज 2, मंडावली, वेस्ट विनोद नगर, आईपी एक्सटेंशन, आनंद विहार ISPT, कड़कड़डूमा, कड़कड़डूमा कोर्ट, कृष्णा नगर, ईस्ट आजाद नगर, वेलकम, जाफराबाद, मौजपुर बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी इनक्लेव और शिव विहार स्टेशन शामिल है। खास तौर में पूर्वी दिल्ली में जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए ये मेट्रो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ये जो पूरा रूट है, इस पूरे रूट में हमेशा ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या रहती है, और जैसे ही ये मेट्रो खुल जाएगी लोगों को जाम से तो राहत मिलेगी, उनकी यात्रा भी बेहद सरल और सुगम हो जाएगी। मेट्रो स्टेशन भी बेहद खूबसूरत बनाए गए हैं। अंदर खूबसूरत पेंटिंग्स हैं तो बाहर भी मेट्रो स्टेशन देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। कमिश्नर फॉर मेट्रो रेल सेफ्टी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब बस उद्घाटन की तारीख तय होनी बाकी है। इस रूट पर सफर करने वाले लोगों में भी खासा उत्साह है। सुबह के टाइम में जाम वगैरह से निजात मिलेगा लोगों को और ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगा। आई थिंक फेयर वगैरह भी इक्वलेंटी होगा, सो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मैं अभी की ये स्टार्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन से जस्ट उतर के ही आ रहा हूँ और अभी मुझे यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं। ऑटो से आ रहा हूँ मैं, इतना जाम और इतनी बुरी हालत है पूछो नहीं। मैं इतना इंतजार कर रहा हूँ कि ये मेट्रो कब चालू होगी। बहरहाल लिंक लाइन के इस हिस्से की शुरुआत होते ही पूर्वी दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।